हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का एक कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है, उसी के परिप्रेक्ष्य में पीजी, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब सेंस ये है कि एमएससी एजी एंट्रेंस वाले जो भी स्टूडेंट हैं मास्टर्स के लिए, उनके लिए यहाँ पर परिवर्तन आया है सिलेबस में। क्या बदलाव हुआ है? और बहुत ही अच्छी बात है, जो बदलाव हुआ बहुत अच्छा, हमें तो ये अपडेट बहुत ही यहाँ पर सीयूटी की बहुत शानदार लगी। इसमें आइए देखिए क्या है, क्या क्या बदलाव इनके द्वारा किया गया है। उससे पहले आपको जानकारी देते हैं, सीयूटी 2024 के सेशन में घर बैठे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा सकते हैं हमारे टेक्निकल टीम के माध्यम से। फीस जिसकी ओनली 100 रुपये फीस है टेक्निकल टीम की, ठीक है। फॉर्म की आवेदन 26 दिसंबर 2023 से लेकर के 24 जनवरी 2024 तक इसका आवेदन अंतिम तिथि है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं टेक्निकल टीम के द्वारा, या फिर हमसे संपर्क करना होगा तो आप हमारे इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए क्या क्या चाहिए आवश्यक आपको, मूल प्रमाण पत्र क्या चाहिए, जो भी आप एप्लीकेशन आवेदन चाहे हमारे माध्यम से या फिर स्वयं या फिर कैफे के माध्यम से कराएंगे तो आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होने चाहिए, ऐसे जो वर्तमान में चल रहे हैं और ऐसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपके चलने चाहिए, जिससे आपको आगे OTP या फिर किसी प्रकार की अपडेट आए तो उस पर आपको प्राप्त होता रहे, ठीक है। उसके बाद एक ईमेल आईडी, जो वर्तमान में आपके पास चल रहा है, इसी ईमेल आईडी से आपके सारे प्रोसेस होंगे, मेल पे आपको सारे अपडेट्स आते रहेंगे, ठीक है। तीसरा आपको आधार कार्ड एक आइडेंटिटी के तौर पे, फिर आपका हाई स्कूल की मार्कशीट, उसके बाद आपकी 12वीं की मार्कशीट, फिर आप एमएससी एजी एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं तो आपको स्नातक की, यदि आपके पास डिग्री या तो पास आउट हैं तब तो ठीक है, स्नातक की डिग्री आप यहाँ पर लगा देंगे, नहीं पास आउट हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपेयरिंग जब डाल देंगे तो वहाँ पर बस आपको रोल नंबर प्रीवियस भर देना है, ठीक है। इसके बाद अगर कास्ट आपका लेता है तो ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट इसमें नहीं मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको फोटो, फोटो की साइज क्या होना चाहिए, 10 से लेकर के 200 KB के बीच में आपकी फोटो होना चाहिए। फिर इसके बाद आप देखेंगे सिग्नेचर, सिग्नेचर जो आप करेंगे उसकी KB क्या होना चाहिए, 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए, और जो ये सिग्नेचर होगी ये ब्लैक पेन से करिएगा, ठीक है, ब्लैक पेन से करिएगा, सबसे उचित रहता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या क्या सिलेबस में परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पहले आपको 2-3 पेपर होते थे, उसमें अलग अलग पैटर्न रहता था, और एक लोगों का कमेंट था कि CUT और ICR, तो ICR और CUT दोनों मर्ज होकर के एक एग्जामिनेशन करा रहा है, बाकी अगर आगे बदलाव हो जाएगा तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान। अब सस्य विज्ञान यहाँ पर देखेंगे तो सस्य विज्ञान के अंतर्गत आप वीट साइंस पढ़ेंगे, मेट्रोलॉजी पढ़ेंगे, क्लाइमेट साइंस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपको फील्ड क्रॉप पढ़ना पड़ेगा, ये सारे चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान के लिए आपको सबसे बेस्ट बुक अगर रिकमेंड करना चाहें हमारे तरफ से तो आप रेडी एंड रेडी से वीट साइंस पढ़ लीजिए, मेट्रोलॉजी पढ़ लीजिए, और फील्ड क्रॉप के लिए आप छिद्दा सिंह का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन देखेंगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक है आपकी फोंदन सिंह, यहां पर लिखते जाएं फुंदन सिंह, फुंदन सिंह की बेस्ट बुक आती है, सरल भाषा में आती है। और यहां पर दो बुकें हैं, एक रेड्डी एंड रेड्डी और दूसरा है छिद्दा सिंह, छिद्दा सिंह, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे सॉयल साइंस, सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के लिए आप बी एन सहाय का बुक ले सकते हैं, सॉयल ट्रीटी जाइल, सॉयल सॉयल ट्रीटाइज, ठीक है। इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी आप पढ़ सकते हैं TNAU के PDF से,
या फिर एनजी रंगा वाली पीडीएफ से सॉयल फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप हार्टिकल्चर के सेगमेंट में जाएंगे तो एस एन गुप्ता की बुक आती है इंस्टेंट ऑफ हार्टिकल्चर, एस एन गुप्ता। ठीक है, ये बहुत कारगर सिद्ध होती है इस एग्जामिनेशन के लिए। आईसीआर जेआरएफ हो गया और अदर सब्जेक्ट के मतलब इसमें अदर एग्जामिनेशन के लिए। फिर आप आगे चलते हैं तो एंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी की एक बुक आती है टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी माथुर एंड उपाध्याय, माथुर एंड उपाध्याय राइटर का नाम है, माथुर एंड उपाध्याय। ठीक है, क्लियर। अब एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स देखेंगे तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कृषि अर्थशास्त्र, इसको पढ़ने के लिए आपको टीएनएयू का पीडीएफ, एनजी रंगा की पीडीएफ आप उसको देख लीजिएगा वहां से। ठीक, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, इसकी एक बुक आती है अग्रवाल करके, ठीक है अग्रवाल की, वो ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, स्टैट की एक हमारे पास पीडीएफ है, बहुत बेहतरीन पीडीएफ है, आप हमको इंस्टाग्राम के माध्यम से लिंक इसका ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, ये भी आपका एनजी रंगा के माध्यम से आप इसको बेहतरीन ढंग से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 10 सिलेबस आपके जो आपने यूजी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर के दौरान जो पढ़ाई की है बस वही सिलेबस है, इसे आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा। ठीक है, बस सर तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके स्टेटमेंट वाइज होंगे, स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए और वहां से अच्छे कोई एक बुक ऐसा लीजिए ऑब्जेक्टिव हो जिसमें मैक्सिमम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो, या फिर आप गूगल क्रोम के माध्यम से किसी भी वेबसाइट से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके सिलेबस 10 कंप्लीट हो गए, तो बस यही आपको बेसिक जानकारी देनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।